नमस्कार, वेबदुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। सलमान खुर्शीद ने कहा, ट्रंप की जीत से बेहद चिंतित होगा भारत। भारत के पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने मंगलवार को प्रतिष्ठित जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में एक संबोधन के दौरान छात्रों से कहा कि मुझे लगता है कि यदि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बन जाते हैं तो भारत बहुत बहुत चिंतित हो जाएगा। यह बयान देकर खुर्शीद 8 नवंबर को होने वाले चुनाव में रियल एस्टेट के इस विवादास्पद दिग्गज की जीत पर वैश्विक तौर पर जाहिर की जाने वाली चिंताओं का हिस्सा बन गए हैं। उल्लेखनीय है कि दुनिया भर के विभिन्न नेता 69 वर्षीय रियलिटी टीवी स्टार ट्रंप की ओर से दिए गए मुस्लिम विरोधी और प्रवासी विरोधी बयानों के लिए उनकी निंदा कर चुके हैं। अलगाववादी आसिया अंद्राबी ने श्रीनगर में फहराए पाकिस्तानी झंडे। कश्मीर के अलगाववादी महिला संगठन दुख्तरा ने मिल्लत की प्रमुख आसिया अंद्राबी ने पाकिस्तान दिवस के मौके पर बुधवार को श्रीनगर में कई स्थानों पर पाकिस्तान के झंडे फहराए। दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग ने भी इस अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें शामिल होने के लिए कश्मीर के कई अलगाववादी नेताओं को न्योता भेजा गया है। बंदूक दिखाकर पठानकोट में कार छीनी, हाई अलर्ट जारी। पंजाब में पठानकोट के सुजानपुर में मंगलवार शाम हथियारों से लैस 3 लोगों ने एक व्यक्ति की कार छीन ली। पुलिस ने इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। पुलिस के अनुसार 3 लोगों ने फोर्ड फिगो कार के मालिक को बंदूक दिखाकर कार अपने कब्जे में ले ली। 2 लोग कार में बैठकर चले गए जबकि 1 मोटरसाइकिल से फरार हो गया। गौरतलब है कि पठानकोट एयरबेस पर हमला करने वाले आतंकियों ने भी पहले गुरदासपुर के पुलिस अधिकारी की कार अगवा कर ली थी, जिससे वे एयरबेस के पास तक पहुंचे थे। अमेरिका में गौशाला में फेंका गया गाय का कटा सिर। अमेरिकी प्रांत पेंसिल्वेनिया के एक शहर में गौशाला के मालिक एक हिंदू व्यक्ति के घर में गाय का कटा हुआ सिर फेंका गया। अधिकारियों ने इस मामले की जांच शुरू की है और उनका कहना है कि यह सांप्रदायिक उकसावा है। WNEP समाचार वेबसाइट की खबर के अनुसार शंकर शास्त्री टनर्स विला के पास लक्ष्मी गौशाला के मालिक हैं और इसकी देखरेख करते हैं। राज्य पुलिस सप्ताहांत पर गाय का कटा सिर उनके घर पर फेंकने की घटना की जांच कर रही है। शास्त्री ने घटना पर हैरानी जताई लेकिन कहा कि उन्हें आशा है कि यह घटना किसी अशांति का कारण नहीं बनेगी। चीन नेपाल रेल संपर्क भारत तक बढ़ाया जा सकता है, चीनी विशेषज्ञों ने कहा। चीन द्वारा तिब्बत रेलवे नेटवर्क को नेपाल तक बढ़ाने की योजना के बीच चीनी विशेषज्ञों ने कहा कि $4 अरब की इस परियोजना को भारत तक बढ़ाकर दक्षिण एशिया के साथ तिब्बत के संपर्क को बेहतर बनाया जा सकेगा। अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के लिए शंघाई म्युनिसिपल सेंटर में दक्षिण एवं मध्य एशियाई अध्ययन संस्थान के निदेशक बांग देहुआ ने कहा कि रेल लाइन बनाने में कई परेशानियां हैं क्योंकि यह भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र और हिमालयी पर्वतों से गुजरेगी। वांग ने सरकारी ग्लोबल टाइम्स को बताया कि इस परियोजना के लिए $4 अरब की जरूरत होगी और इसे पूरा करने में 5 वर्ष लगेंगे। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।